दीदी खनेड़ा, सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने इतना बड़ा जो अचीव है, जो आपका टारगेट था, गोल था, इतने जो आपकी कड़ी मेहनत थी और आपके पेरेंट्स की, टीचर्स का जो एफर्ट था, वो आपने सक्सेस करके दिखाया। घर जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद फिर शाम से स्टार्ट होती थी और रात 11 बजे तक। और बेटा आपका जो आने वाला समय है, आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। और जो ये अभी जो हमारे जो 10th के जो बच्चे हैं, इसमें बोर्ड देंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? और यू हैव टू वर्क हार्ड, अपने आप को मोटिवेट रखो, आप एक एक पॉइंट ढूंढ लो अपने लिए, एक 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 वो सेट कर लो कि हमें ये लाना, उसके लिए वर्क हार्ड करो। बेटा वेलकम, बेटा वेलकम, और बहुत बहुत बधाई आपको दोबारा से। भूमि, सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपका जो मेहनत था, आपका जो प्रयास था, वो सफल हुआ और उत्तराखंड में आपने पूरे प्रदेश में विद्यालय का और नगर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उत्तराखंड में आपने 21th प्लेस अचीव किया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। तो बेटा सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो डेली रूटीन होता था पढ़ाई का, वो क्या होता था? डेली रूटीन मेरा बोर्ड से पहले, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के 2-3 महीने पहले से चेंज हुआ, उसके पहले कुछ और था। 2-3 महीने पहले से मैं 4:30 to 4:30 उठती थी, उसके बाद मैथ्स प्रैक्टिस करती थी, फिर और भी सब्जेक्ट्स आती थी उनके प्रैक्टिस करती थी, लर्निंग चेंजेस करती थी अपना हार्मिंग। उसके बाद फिर जो अनसॉल्व जो पेपर आता है उनको सॉल्व, उसके बाद तक हुई, फिर दिन खाना खाने के बाद जो होता वही लर्निंग चेंजेस को पूरा होता था, फिर शाम को तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? श्रेय मैं सबसे पहले अपने पापा, मदर और टीचर। तो आने वाले जो हमारा बैच है 10th का, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मुझे भी ये मैसेज दूंगी कि वो अपनी स्टडी को जो है वो शुरू से ही मेंटेन रखें, ऐसे नहीं कि शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं है फिर बाद में, शुरू से एक जैसा रखें। ओके बेटा, वेलकम एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।